हेलो व्यूअर्स, गूगल पिक्सल 9 की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद अब गूगल पिक्सल 9 प्रो मार्केट में लॉन्च हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो में गूगल पिक्सल 9 प्रो के फीचर्स पर बात करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी एलुमिनियम फ्रेम में बनाई गई है, जो देखने में काफी अच्छी लुक देती है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले स्क्रीन साइज की, तो ये 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देती है, जबकि इसकी पीक ब्राइटनेस 300 नट्स है। स्टोरेज के हवाले से ये मोबाइल 3 वेरिएंट में मार्केट में मौजूद है, जो 16 GB रैम के साथ 128 GB, 256 GB और 512 GB रोम के साथ है। व्यूवर्स, किसी भी मोबाइल में कैमरास को उसका मेन फीचर समझा जाता है। इसकी बैक पर 3 कैमरास दिए गए हैं, जिनमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। जबकि मोबाइल की फ्रंट पर 42 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। और अगर बात करें इसके कैमरास के रिजल्ट की, तो इस हवाले से भी ये मोबाइल बहुत कमाल है। इसे आप जितना चाहे जूम करके इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले मॉडल में भी ये बताया था कि इसमें आप एक तस्वीर को खींच कर इसी तस्वीर में दूसरे कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, जो कि इसका एक्स्ट्रा प्रीमियर फीचर है। और टच एक्सपीरियंस के हवाले से भी ये मोबाइल अपनी मिसाल आप है। चलाने में बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप इसका टेस्ट करना चाहें तो दोनों मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल करके देखें, दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह कमाल है। इसके अलावा इसमें सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। आप किसी भी तस्वीर या प्रोडक्ट को सर्कल करके गूगल पर आसानी सर्च कर सकते हैं। मोबाइल के राइट साइड पर आपके वॉल्यूम कीज और पावर बटन दिया गया है, जबकि इसकी बेस पर चार्जिंग पॉइंट मौजूद है। इसमें 27 वॉट का चार्जर दिया गया है और इसकी बैटरी 4700 mAh है, जो आपको अच्छा बैकअप देती है। ये मोबाइल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ है। इसकी फ्रंट और बैक दोनों पर गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, जिससे मोबाइल के गिरने या टूटने का कोई खतरा नहीं। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट और फेस स्कैनर्स लगाए गए हैं। तो व्यूअर्स, ये थे गूगल पिक्सल 9 प्रो के फीचर्स। आपको कैसा लगा इस्तेमाल करने के बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।